अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर विच इज़ द एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एंड द बुक वी आर गोइंग टू फॉलो इज द एक्सेल निवेद आलम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। और ये चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो कम्युनिटी मेडिसिन का पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाइवा पेपर वगैरह, ऑस्पी वगैरह के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ना रिसर्च के लिए भी चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन पे, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन जो है ना, देखो, इट इज़ अ साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट, ठीक है। पहली लाइन में आपने कहना है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट, ठीक है, इन अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन, स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से आप दिखा देता हूँ, ठीक है। इट इज़ अ साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एप्लीकेशन ऑफ दैट स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं ना, एक हमारे पास आता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द डिजीज़, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़, ठीक है। तीन DM, डिजीज़, फ्रिक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़, ठीक है। ये तो आसान हो गया ना। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं एम्स एंड एपिडेमियोलॉजी पे था। तो एपिडेमियोलॉजी की एम्स बेसिकली ये होते हैं ना कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज़ मालूम कर लिया, फ्रिक्वेंसी के बारे में पता लग गया हमें, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लग गया। फिर हम लोगों ने उस डिजीज़ की जो है ना, हम लोगों ने प्रिवेंशन कैसे करनी है, उस डिजीज़ को हमने कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा काम होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यूजेस ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। यूजेस बेसिकली ना, यूजेस को निमोनिक मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप राइटिंग वो हो, लेकिन फिलहाल के लिए बस आप इसको देखो और मैं आपको निमोनिक बता दूंगा, आप जल्दी जल्दी लिख लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास निमोनिक है राइस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, NCDS, ठीक है। तो राइज से हमारे पास आएगा राइज एंड फॉल ऑफ डिजीज़, ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ डिजीज़। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, फिर S से हमारे पास आ जाएगा सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन। फिर हमारे पास एविडेंस ऑफ सर्विस, evaluation of service, E से evaluation of service। फिर ऑफ से कुछ भी नहीं, और N से natural history of disease completion। C से हमारे पास आ जाएगा community diagnosis and treatment। D से हमारे पास आ जाएगा determinants identification, और S से हमारे पास आ जाएगा strategy development for planning and implementation, ठीक है। strategy development for planning and implementation, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक question आता है ना, वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं कि हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल मेडिसिन, ठीक हो। देखो, होता है इसमें क्या है कि क्लिनिकल मेडिसिन में बेसिकली ना, पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास खुद आता है अपनी बीमारी को लेके, ठीक है, और डॉक्टर जो है उसकी डायग्नोसिस करता है और फिर उसके क्योर की तरफ जाता है, ठीक है। जबकि अगर आप एपिडेमियोलॉजी की बात करो ना, तो एपिडेमियोलॉजी में बेसिकली ना, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है ना, वो एनवायरनमेंट में जाता है, एनवायरनमेंट में डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फैक्टर्स जितने भी, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ को देखता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, वो प्रिवेंशन की तरफ जाता है, ठीक है, कंट्रोल की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच पे, ठीक है। अच्छा, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली ना, सबसे पहले जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंट ना, कि फॉर एग्जांपल डिजीज़ के बारे में पूछता है कि क्या डिजीज़ है, कब से हुई है, कौन सी डिजीज़ है, कितने टाइम से हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कितने, किस एरिया में हुई हुई है, ठीक है, कितने लोग अफेक्टेड हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्यों हुई है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद हेल्थ रिलेटेड जो एक्शंस लेने होते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग बनाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप कंपेयर, एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो हमारे पास कंपेयर करता है विद डिजीज़ लोगों को नॉन डिजीज़ लोगों से, ठीक है। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं डिफरेंट मेजर्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। डिफरेंट मेजर्स होते हैं, ठीक है, मॉर्टिलिटी हो गई, मॉर्बिडिटी हो गई, इसके अलावा फर्टेलिटी हो, निटेलिटी हो गई, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग डिसेबल हो रहे हैं। इसके बाद जो है आ जाता है
अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एट्रिब्यूशन ऑफ डिजीज़, मतलब कि डिजीज़ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ें ना। फिर हेल्थ हेल्थ केयर, उस एरिया में हेल्थ केयर कितनी चाहिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो उस एरिया में है जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या है उस एरिया का। तो ये हमारे पास सारे मेजर्स हैं फॉर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अब हम आते हैं टूल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। अब टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेट, ठीक है। रेट में क्या होता है, देखो रेट का डेफिनेशन है अक्रेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट इन अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अक्रेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को हम रेट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि एक इवेंट हो रहा होता है एक पॉपुलेशन में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। अब इसमें देखो फॉर एग्जांपल ये रेट है ना, तो इसमें डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है एक मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, और एक इसमें स्पेसिफाइड टाइम होता है, ठीक है। और जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रेट के डिफरेंट टाइप्स पे ना। सबसे पहले हमारे पास आते हैं क्रूड रेट। क्रूड रेट जो होता है ना, वो हमारे पास बेसिकली होल पॉपुलेशन के लिए होता है, लाइक कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रूड बर्थ रेट है या क्रूड डेथ रेट है ना, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जैसे क्रूड डेथ रेट की अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इन अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिवाइड बाय मिड एयर पॉपुलेशन, ठीक है, इन दैट पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रूड डेथ रेट हो गया ना। तो क्रूड इज लाइक एज अ होल आप बात करते हो, किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया होता, ठीक है। जबकि आप स्पेसिफिक रेट की बात करो ना, तो वो स्पेसिफाई होता है, लाइक इट कुड बी कॉज स्पेसिफिक, इट कुड बी एज स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक, और इट कुड बी टाइम स्पेसिफिक, जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास रेट में ही हमारे पास जो लास्ट थिंग है वो है एडजस्टेबल एंड स्टैंडर्डाइज रेट, ठीक है। ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं रेशो पे। रेशो में ना बेसिकली हम लोग रिलेशन देखते हैं बिटवीन टू टू क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है, टू रैंडम क्वांटिटीज के बीच में, जो आपस में रिलेटेड नहीं होती, रैंडम क्वांटिटीज होती हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना, और इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं एक्स रेशो वाई या एक्स बाय वाई, तो ये रेशो को हम ऐसे लिखते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि हमारी बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो निकालो ना, तो आरबीसी हमारे पास फॉर एग्जांपल 100,000 है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी हमारे पास है 10, तो हमारे पास इसका आंसर फिर 1000 को आप देखो। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आई गेस इट्स वेरिएबल। देखो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आरबीसी हमारे पास 1000 है, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी हमारे पास है 10, ठीक है, तो आपने इसको निकालना है, तो हमारे पास आरबीसी कितने हो जाएंगे, 100:1 हो जाएंगे, ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो आ जाएगा 100:1, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल्स भी ले सकते हो, ठीक है। रेशो में आप मेल रेशो फीमेल ले सकते हो, या आप ओल्ड रेशो यंग ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन इज बेसिकली अ परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का क्या मतलब है, देखो जैसे कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जाम दी है, 100 में से मेरे आए हैं 98 मार्क्स या 98% रिजल्ट आया है, ठीक है। तो जो 98% है ना, वो उस 100% का एक हिस्सा था, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोपोर्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टोटल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ स्केबीज इन अ क्लास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज अ परसेंटेज, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक क्लास में 100 लोग हैं, और 100 में से 10 लोगों को स्केबीज है, ठीक है, तो 10 लोग जो हैं उन 100 का हिस्सा ही है ना, ठीक है। तो ये क्या करना है, हमने 100 ऊपर लिखना है, विच इज द नंबर ऑफ पीपल हैविंग द स्केबीज, ठीक है, चिल्ड्रन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर। नॉमिनेटर तो ऊपर आती है, डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। डिनोमिनेटर बेसिकली हमारे पास ना, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट टाइप की हो सकती है, या तो हम मिड एयर पॉपुलेशन लेते हैं नीचे, या हम पॉपुलेशन एट रिस्क लेते हैं, ठीक है, नीचे। इसके अलावा हम लोग पर्सन टाइम ले सकते हैं, या पर्सन डिस्टेंस ले सकते हैं, या हम सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ना पॉपुलेशन को, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।